दे रहा है, उस आधार पे भी चाहूंगा आपसे टिप्पणी करना। राजीव जी, पहले तो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी दीर्घायु हूँ और 100 साल जिए और तमाम बदलाव होते हुए देखे, ये मेरी कामना है। दूसरा कि देखिए, राहुल गांधी ही केवल बदल नहीं रहे, ये इस देश की जो नेचुरल भाषा यानी जो प्राकृतिक हमारी जो भाषा थी, जिस भाषा में हम कविताएं लिखते हैं, जिस भाषा में हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, हम तो अवध के रहने वाले हैं जहाँ पे आप और हम की भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी। ये भाषा संस्कार पिछले 7-8 साल में देश पता नहीं कहाँ चला गया था, और अभी भी सोशल मीडिया में जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसको ट्रोलिंग कहते हैं, आप उस भाषा को देखिए, कितना गुस्सा, कितनी नफरत जो है वो भरी पड़ी है। तो वो जो नफरत और ये भाषा में तब्दीली देश के लाई गई कृत्रिम तरीके से, बॉट्स के जरिए, एल्गोरिथम के जरिए, सोशल मीडिया के नकली हैंडल्स के जरिए, ये भाषा देश के लोगों के, युवाओं के दिमाग में घुसेड़ी गई। ये यात्रा इस भाषा को बदल रही है, और इस यात्रा की वजह से राहुल गांधी की भाषा में भी सौम्यता आ रही है। बिल्कुल नया राजनीतिक मुहावरा इस यात्रा से निकलेगा, और वो भाषा में वो लोग बात नहीं कर पाएंगे, जनता से संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे, जो एक कड़ी गलौज वाली भाषा, एक नफरत की भाषा, झूठ बोलने की भाषा, ये जो पिछले डींगे हाँकने की भाषा, ये जो भाषा चल रही है पिछले 8-9 साल से, ये भाषा अब बदल जाएगी। और इसीलिए आप ये तब्दीली देख रहे हैं कि इस भाषा में जो तब्दीली आ रही है राहुल गांधी की, वो जनता उनको तब्दील कर रही है। जब आप इतना दूर चलते हैं, 50 किताबों से ज़्यादा ज्ञान मिलता है जब आप कहीं घूमने जाते हैं। दूसरी कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को जुड़ेंगी यात्रा में, बहुत महत्वपूर्ण होगा राजीव जी ये कि बेल्लारी वो जगह जहां से सोनिया गांधी जुड़ेंगी, वहां से सोनिया गांधी ने अपनी संसदीय यात्रा शुरू की थी। बेल्लारी से चुनकर आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद को त्यागा था, और सुषमा स्वराज से बड़ी कटुता हुई थी। सुषमा स्वराज बेहतरीन निजी रिश्ते भी अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद भी सोनिया गांधी के रहे थे। तो बेल्लारी उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, और जाहिर सी बात है कि बेल्लारी में सोनिया गांधी जब शुरू करेंगी तो तमाम वो जो यादें हैं और कांग्रेस वर्कर का उत्साह जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जनता के बीच में एक नया मुहावरा जो है वो जरूर पैदा होगा।